ਬਿਲਚੰਦ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ इस गल का खुलासा किया है कि साल 2018 में सलमान खान के कतल लई साजिश कड़ी सी गैंगस्टर संपत नेहरा ने सलमान खान की हत्या लई मुंबई भेजा सी संपत नेहरा ने सलमान के घर की रेकी की थी सी नेड़े जाना मुमकिन नहीं सी स्प्रिंग राइफल ना होने करके सलमान खान का कतल नहीं सी हो सकया स्वयं खुलासे जुड़े ने सामने आ रहे हैं जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ हुई है हालांकि इस दरमियान कभी धमकी भरिया पत्र से इस तो पहला भी लगातार बिश्नोई गैंग की जिहड़ी है वह एक गल्लां सामने आ रही सन कि सलमान खान को कभी धमकी भरिया पत्र जिहड़ा है भेजा जा रहा है मारन की धमकी भी दी जा रही है कोशिशां भी जारी ने हुण जिस नाल यह जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने पुछगिछ दौरान एक वड्डा खुलासा किया है तो कहा कि साल 2018 में सलमान खान के कतल लई साजिश कड़ी गई सी गैंगस्टर संपत नेहरा ने सलमान खान की हत्या लई मुंबई भेजा सी संपत नेहरा ने सलमान के घर की रेकी की सी हालांकि नेड़े जाना मुमकिन नहीं सी स्प्रिंग राइफल ना होने करके सलमान खान का कतल नहीं हो सकया सी जो बहुत वड्डा और अहम खुलासा जड़ा है जिसकी जानकारी सूत्रों तो मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने दोस्तों पुछगिछ लगातार की जा रही है वक् वक् मामले तहत क्योंकि पंजाब भारत में भी इस अलावा होर भी कई थावां उसके मामले दर्ज ने अंकुश के नाल गल करदे आं अंकुश जिस तरह के नाल एक बहुत वड्डा खुलासा है हालांकि बिश्नोई गैंग किस तरह सलमान खान को इस तो पहला धमकी भी दे चुके हैं और इस तो पहला भी जी है उन्होंने गल सामने आती रही थी कि कोशिशां उन्होंने वालों की गई ने लेकिन यह जो खुलासा होया तो बहुत वड्डा खुलासा है बिल्कुल राजा जी एक बहुत वड्डा खुलासा सामने आया जरा कि पुलिस सूत्रा जी अगर मनीए तो वह मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने पुछगिछ दौरान एक चीज को कबूल किया कि उसने 2018 के सलमान खान को मारन के लिए संपत नेहरा ने उसे भेजा सी लेकिन किसी कारण जरा असाइनमेंट पूरा नहीं हो पाया तो सलमान खान बच गया दरअसल जानकारी मिल रही है कि संपत नेहरा जरा लॉरेंस बिश्नोई वालों मुंबई भेजा गया सीगा तो वो घर की जी रेकी भी जी है वो की गई थी लेकिन वो घर के आस पास सुरक्षा ज्यादा होने की वजह के कारण जी है वो संपत नेहरा इस काम को पूरा करने कामयाब नहीं हो सकिया तो इस उस जी है एक राइफल भी जी मंगी गई थी स्प्रिंग राइफल जिसन कहते जिस तो लंबी दूरी तो जरा निशाना जिसके नाल साधा जाता है वो 4 लाख रुपए दी जड़ी है और राइफल भी खरीदी गई लेकिन वो बावजूद जड़ा वो घटना अंजाम देने कामयाब नहीं हो पाए तो 2018 के जड़ा इस हत्या तो पहला ही जो प्लानिंग की गई थी उस हत्या तो पहला ही पुलिस वालों जड़े जड़े दिनेश डागर जड़ा कि हथियार लेके गया थी वो उसनों गिरफ्तार कर लिया तो संपत नेहरा उस तो पहला ही इस जड़ा गिरफ्तार होया पाया तो हूँ जरा एक बड़ा खुलासा सामने आया कि उसी के पता लग गया कि संपत नेहरा वालों जी है सलमान खान को मारन की जी है कोशिश की गई थी दरअसल पूरा जरा मामला हैगा जरा साल 2008 के जी एक हिंदी मूवी आई थी हम साथ साथ है उसकी शूटिंग के दौरान जो काले हिरन का शिकार किया गया तो उस तो बाद सलमान खान के खिलाफ बिश्नोई समाज वालों काफी नाराजगी जताई गई थी क्योंकि बिश्नोई समाज के काले हिरन एक तरीके भगवान के रूप मनते हैं तो उन्होंने पूजा करते हैं तो इस तो बाद ही इस मामले के जरा बिश्नोई समाज बेहद आद सेगा जरा लॉरेंस बिश्नोई वालों भी इस मामले में लैके संपत नेहरा उसे भेजा गया थी क्योंकि तो सलमान खान की अगर कही है तो एक तरीके सुपारी दी गई थी कि उसको मारन उसे भेजा गया थी लेकिन जरा हूँ कामयाब नहीं हो पाया हूँ पिछले तकरीबन 2 महीने पहला भी जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होया तो उस तो बाद सलीम खान जिहड़े कि सलमान खान के पिता उन्होंने एक धमकी भरा एक चिट्ठी मिलती है तो उस लिखा होता है कि जो हाल सिद्धू मूसेवाला का किया गया उही हाल
सलमान खान का किता जाएगा, तो इसी की धमकी भरी गल आई थी। तो उस तो बाद सीधे तौर से जो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का आया थी, तो हूं ये गल सामने आ रही है पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि लॉरेंस बिश्नोई ने सारे घटनाक्रम नू लेके जरा बड़ा खुलासा किया है। बिल्कुल, और अजय विचकार ये जो खुलासे हो रहे ने थे, ये होर भी कई खुलासे, क्योंकि लगातार इस विच शमूलियत दी खबरां जरूर आंदियां रहियां सन, लेकिन कोई पुख्ता जड़ी है गल सामने नहीं आई सी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि जिस तो लगातार वक्त-वक्त मामले च पूछगिछ हो रही अंकुश, उस दे वलों एक खुलासा होना यकीनन हुण इस पूरी जो खुलासे ते पुलिस अगे किस तरह नाल कार्रवाई करती है, सुरक्षा सलमान खान की मुंबई दे विच वधाई जाएगी, उत्थे दी जिहड़ी पुलिस उह देखेगी, लेकिन इत्थे होर भी कई फिर खुलासे होण दी संभावना जरूर बन रही होगी, जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई तो लगातार पूछगिछ हो रही है। बिल्कुल दादा, लॉरेंस बिश्नोई भावे हूं जो हुशियारपुर पुलिस वालों जो एक मामले के इतने पूछगिछ की जा रही है, इतने सिर्फ वो मामला नहीं है बल्कि तमाम इस तरह के मामले जोड़े कि लॉरेंस बिश्नोई के उत्ते तकरीबन जोड़े 37 to 38 जोड़े मामले दर्ज है, उस सारे ही मामलों की जी जांच एक साथ की जा रही है। हर केस न दूसरे केस के नाल जोड़ के पुलिस जांच से भी जुटी हुई है, तो उसी दौरान ये सारा जरा सामने आया है कि जरा वड्डा खुलासा जरा लॉरेंस बिश्नोई वालों किया गया। कल भी असं वेख्या कि उसे जरा जगू भगवानपुरिया भी लॉरेंस बिश्नोई के सामने लिया गया, तो पूछगिछ की गई भी जानकारी मिल रही जी पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि भी कुछ वे खुलासे जोड़े लॉरेंस बिश्नोई वालों किए गए हैं। हालांकि हले वो भी जानकारी हले मीडिया तो हले मीडिया दसी नहीं गई है, लेकिन जी जानकारी मिल रही है वड्डा खुलासा जल्दी जी पुलिस इस लैके कर सकती है। तमाम जोड़े केस लॉरेंस बिश्नोई के उत्ते वक्रे वक्रे सूबिया के चल रहे, वो सारी ही फाइलें एक साथ खुलिया हुई है, ते नाल सारे मामले देखे जा रहे हैं। ते सीआईए खरड़ दे विच उस तो लगभग अगर कही है तो एक महीने के करीब हो चुके हैं जेड़ा लॉरेंस बिश्नोई तो जड़ी है लगातार पूछगिछ की जा रही है। बिल्कुल अंकुश, तुसी बड़े रहना क्योंकि अगली खोर अहम खबर से भी तौर तो अपडेट लवेंगे। बहरहाल ये जड़ा मामला है जिस विच गैंगस्टर संपत नेहरा नु सलमान खान की हत्या ली मुंबई भेजा गया सी, इस बाबत खुलासा खुद लॉरेंस बिश्नोई ने पूछगिछ विच कीता।